तो रिसेंटली कुछ ही वीक्स पहले लियो का प्रोमो रिलीज़ किया गया था थलापति विजय और लोकेश कनकराज की ये मूवी। बहुत से लोग स्पेकुलेट कर रहे हैं कि ये लोकेश सिनेमेटिक यूनिवर्स का पार्ट होने वाली है, बट एक्चुअली मैं ऐसा ऑफिशियली कंफर्म नहीं किया गया है। हालांकि स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं कि हो सकता है एलसीयू का पार्ट हो ये मूवी। एनीवेज, इस मूवी से रिलेटेड एक और इंटरेस्टिंग बात अगर मैं तुम्हें बताऊं तो इस मूवी ने रिलीज के पहले ही 400 करोड़ का बिजनेस कर लिया है। हाँ, मैं थोड़ा वियर्ड साउंड कर रहा हूँ लेकिन ये सच बात है। मूवी का बजट भी 400 करोड़ नहीं होगा लेकिन मूवी ने रिलीज से पहले 400 करोड़ का बिजनेस कैसे कर लिया। देखो, मूवी के मार्केट की ये भी एक अलग ही साइड होती है जहां मूवी रिलीज से पहले भी अर्निंग करती है। अब इस बारे में आज अपन डीपली बात करेंगे और हाँ, इस बारे में भी बात करेंगे कि लियो ने 400 करोड़ कैसे कमाए वो भी रिलीज के पहले। लेकिन उससे पहले एक सब्सक्राइब छोड़ सकते हो अगर ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस डेली देखना चाहते हो तो। मूवी के रिलीज होने से पहले की कमाई काफी वियर्ड साउंड करता है लेकिन चलो मैं तुम्हें एक्सप्लेन कर देता हूँ। अब एग्जांपल के लिए अपन ले लेते हैं कि भाई इंडिया के अंदर सबसे फेमस या फिर कह सकते हैं वन ऑफ द मोस्ट फेमस डायरेक्टर हैं एसएस राजामौली। सबको पता है कि भाई इनकी पिक्चरें ऑडियंस को पसंद आती हैं, अच्छा खासा बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कर लेती हैं थिएटर्स में। तो सपोज करो एसएस राजामौली की नेक्स्ट पिक्चर आ रही है और मैं कोई ओटीटी सर्विस हूँ जस्ट लाइक नेटफ्लिक्स एमेजॉन, तो मैं एसएस राजामौली की अगली पिक्चर के लिए उनसे ओटीटी राइट्स खरीदूंगा। मतलब कि उनकी अगली पिक्चर बनने से भी पहले या फिर जब बन रही होगी तभी मैंने उनकी ओटीटी राइट्स खरीद दी। मतलब जब वो पिक्चर रिलीज होगी उसके बाद वो मेरे ही ओटीटी प्लेटफॉर्म पे आएगी। तो मैंने पिक्चर रिलीज होने से पहले ही राइट खरीदा, तो उनको पिक्चर रिलीज होने के पहले ही पैसा दिया। और जब भी ऐसी कोई ज़बरदस्त मूवी आती है जिसके चलने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, मोस्ट प्रोबेबली किसी एक्टर की वजह से, किसी डायरेक्टर की वजह से या किसी बहुत ही ज़्यादा यूनिक कॉन्सेप्ट की वजह से, तब उसकी राइट्स रिलीज होने के पहले बिकती है। और इसी तरह लियो ने भी अपनी राइट्स बेच के 400 करोड़ का कलेक्शन किया है। अब इसमें भी बहुत सारे पहलू हैं जिसको अपन धीरे धीरे करके डिस्कस करेंगे। सबसे पहले स्ट्रीमिंग राइट्स की बात करें यानी कि ओटीटी राइट्स की, तो लियो का ओटीटी राइट खरीदा है नेटफ्लिक्स ने 135 करोड़ रुपए में। इसके अलावा थिएट्रिकल राइट्स यानी कि जो रिलीज करने के राइट होते हैं वो लियो के बीचे हैं 175 करोड़ में। जहां पर ओवरसीज मार्केट में मूवी रिलीज करने के लिए 50 करोड़ का अमाउंट चार्ज किया गया। इसके अलावा तमिलनाडु में मूवी रिलीज करने के लिए 75 करोड़, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और केरला जैसे स्टेट के लिए 35 करोड़ रुपीस चार्ज किए गए एंड इंडिया के रेस्ट ऑफ द स्टेट्स के लिए 15 करोड़ रुपीस चार्ज किए गए। एंड इन सभी को मिला के टोटल थिएट्रिकल राइट्स को बेच के लियो मूवी ने 175 करोड़ का बिजनेस किया। एंड अभी मूवी का टीजर या ट्रेलर तक भी नहीं आया, सिर्फ एक प्रोमो आया है, मूवी ने 400 करोड़ का बिजनेस कर लिया सिर्फ अपनी राइट्स बेच के। एंड हाँ, मैं एक और बात रिमाइंड कराना चाहूंगा, हाँ ये सिर्फ ओटीटी राइट्स है जो कि नेटफ्लिक्स को बेचे गए एंड थिएट्रिकल राइट है यानी कि थिएटर में मूवी कहाँ कहाँ रिलीज होगी। तो इन दोनों ही राइट्स को बेच के मूवी ने 400 करोड़ का बिजनेस कर लिया। लेकिन अभी भी बहुत सी राइट्स बाकी है, जैसे कौन से टीवी चैनल पे मूवी सबसे पहले स्ट्रीम होगी उससे भी अच्छा खासा पैसा चार्ज किया जाएगा। उसके अलावा म्यूजिक स्ट्रीमिंग जो कंपनी होती है उनसे भी राइट्स बेच के पैसा लिया जाएगा। तो 400 करोड़ इज नॉट अ लिमिटेशन। अभी ये मूवी और भी ज्यादा बिजनेस कर सकती है अपने रिलीज के पहले भी या फिर हो सकता है रिलीज के बाद अगर राइट बेचे तो उसमें भी कर सकती है। एंड जब तुम लोग ये कॉन्सेप्ट समझ चुके हो कि भाई रिलीज होने के पहले भी मूवीज कलेक्शन कर लेती है, सिर्फ बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर डिपेंडेंट नहीं रहती, तो उन बॉयकॉट वाले लोगों को भी ये वीडियो शेयर कर लो जो लोग बॉयकॉट करते हैं और मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन देख के जज कर लेते हैं कि पिक्चर फ्लॉप हो गई। मोस्ट ऑफ द केसेस में ऐसा होता है कि जब तक पिक्चर तुम्हारे पास पहुंच यानी कि फर्स्ट डे में, उससे पहले ही मूवी ने अपना बजट कवर कर लिया होता है राइट्स बेच के। सेम गोज फॉर ब्रह्मास्त्र। ब्रह्मास्त्र ने 400 करोड़ के बजट के साथ 415 करोड़ का ग्रॉस कलेक्शन किया था लेकिन राइट्स बेच के वो मूवी प्रॉफिट में चली गई। और यही चीजें हैं कि भाई जो लोग मूवी मेकर्स और प्रोड्यूसर्स को बचा लेती हैं राइट्स बेच के जो पैसे कमाने वाली चीज है। नहीं तो भाई 4-5 फ्लॉप देने के बाद एक्टर्स प्रोड्यूसर्स अपनी मूवी बनाना बंद कर दे, उनका धंधा बंद हो जाएगा। अक्षय कुमार को ही ले लो। एनीवेज, तमिल में ये पहली मूवी है जिसने 400 करोड़ का बिजनेस किया है रिलीज होने के पहले। अब अगर तुम लोग फैसिनेट कर रहे हो कि भाई 400 करोड़ बहुत बड़ा अमाउंट है, तो इससे भी आगे एक मूवी है जिसने इससे भी बड़ा बिजनेस किया है रिलीज होने के पहले एंड वो है RRR। गेस करो कितना बिजनेस किया होगा उसने। RRR ने 900 करोड़ का बिजनेस किया था रिलीज के पहले सिर्फ राइट्स बेच के। जैसा कि मैंने एग्जांपल में भी कहा था, एसएस राजामौली एक बहुत ज्यादा नामी डायरेक्टर है इंडिया के अंदर, उनकी डिमांड बहुत ज्यादा है तो उनके राइट्स भी महंगे बिके थे। अब हो सकता है कि आप में से बहुत से लोगों को ये कॉन्सेप्ट थोड़ा बहुत कंफ्यूजिंग लगा हो, अगर ऐसा है तो एक बार वीडियो दोबारा देख लेना क्योंकि कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है और एक बार अगर समझ जाओगे तो आप लोग मूवी मार्केट को धीरे धीरे समझने लगोगे। और अगर ऐसे ही वर्ल्ड सिनेमा, इंडियन सिनेमा और उनसे रिलेटेड बिहाइंड द सीन चीजें जैसे बॉक्स ऑफिस कलेक्शन, मूवी मार्केट और मूवी का प्रोडक्शन कैसे होता है ऐसी चीजें जानना चाहते हो तो तुम चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। तुमको ऐसे वीडियोस रेगुलरली इस चैनल पे देखने को मिल जाएंगे। बाकी मेरा नाम है अविनाश, मैं मिलता हूँ आपसे किसी और दिन ऐसे ही अमेजिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।